नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं अंकुर त्यागी। आर्टिकल 370 पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। ये सुनवाई करीब 16 दिन तक चल रही थी, जिस पर आज फैसला आना था। तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने आज इस पर फैसला सुनाया है। फैसला कुछ इस प्रकार है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने साफ तौर पर आर्टिकल 370 को कहा है कि ये एक अस्थायी प्रावधान था और केंद्र सरकार ने जो भी फैसला लिया वो संविधान के दायरे में लिया। इसलिए जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और 370 को हटाना इसके हक में है। इस फैसले के बाद बीजेपी या कहीं मोदी सरकार के इस फैसले को कानूनी मान्यता भी मिल गई है, यानी कि 370 का मुद्दा अब पूरी तरह खत्म हो जाएगा। आप आपको बता दें कि आर्टिकल 370 को हटने के बाद अब क्या हो सकता है। वैसे आर्टिकल 370 के इस कानूनी तौर पर पूरी तरह खत्म होने के बाद अब बाहर के जो लोग हैं वहाँ पे जमीन खरीद पाएंगे, साथ ही निवेशकों के अंदर भरोसा भी बैठ सकता है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से अब तक कुल मिला के करीब 190 निवेशकों ने इस राज्य में जमीन ली है। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि एक विदेशी प्रोजेक्ट भी आया है जिसको FDI के तहत आया है और इस प्रोजेक्ट का मूल्य है करीब 500 करोड़ रुपये, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का MR ग्रुप ने पहला निवेश किया है जम्मू कश्मीर में करीब 500 करोड़ रुपये से, जब से ये धारा 370 हटी है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इस बात की उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत और विदेशी कंपनियां इस राज्य में निवेश कर पाएंगी और इस राज्य में स्थायी शांति स्थापित हो सकेगी।